नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है, जो वीडियो है, वो बहुत कमाल की है, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्किल इंडिया में कोर्स करना चाहते हैं, उन टीबीज के लिए भी है जो अपने बच्चों को लोन दिलाना चाहते हैं स्किल के कोर्स करने के लिए। तो दोस्तों, बात हो रही है विद्या कौशल की। विद्या कौशल एक ऐसा पोर्टल है जिस पर कोई भी विद्यार्थी जो स्किल इंडिया के कोर्स करना चाहता है अपना रजिस्ट्रेशन करवा के लोन ले सकता है कोर्स करने के लिए। इसी सब्जेक्ट पर हमने ये वीडियो बनाई है, हमारी टीम के द्वारा बनाई हुई। इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कितनी यूजफुल लगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद बलराज जी। आज का जो वीडियो बलराज जी ने बताया है उसी से संबंधित है। देखिए, आज NSTC के एक इनिशिएटिव विल के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी स्किल लोन के लिए विद्या कौशल पोर्टल की तर्ज पर अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों, विद्या कौशल एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति स्किल ट्रेनिंग के कोर्सेज की फीस पे नहीं कर पाते, जो विद्यार्थी, वो यहाँ NSTC के इस इनिशिएटिव से आप कोई भी कोर्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किल लोन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस पोर्टल के बारे में जानेंगे कि स्किल लोन फॉर ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा जो जनरेशन है वो यूथ है। तो ये एक पोर्टल है, इसके अंदर जो स्किल को चाहता है नो फंड फॉर स्किल ट्रेनिंग, और वो अप्लाई कर सकता है स्किल लोन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं इस विद्या कौशल के पोर्टल पर। वहाँ हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और किस प्रकार से वो विद्यार्थी स्किल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों, विद्या कौशल आप गूगल में टाइप करेंगे, सबसे पहले आप विद्या कौशल होम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक पोर्टल आपके सामने ओपन होगा NSDC का, विद्या कौशल का, जिसमें आपको दो ऑप्शन आपके राइट में दिखाई देंगे, रजिस्टर और लॉगिन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और ट्रेनिंग सेंटर को सिलेक्ट करना है। अभी तक ये देखिए बैक डेटा है दोस्तों, 30,000 के लगभग सेंटर हो चुके हैं रजिस्टर और 675 से ज़्यादा कोर्स है। ये आउट अपडेटेड डाटा है, क्योंकि इस पर डेली नए सेंटर और ट्रेनिंग पार्टनर अपना रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं। ये कुछ पार्टनर्स हैं, बड़े पार्टनर NSDC के, जिन्होंने इस सुविधा को अपने सेंटर पर लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, NSDL को आप जानते हैं, NSDL सारा का सारा इसको कंट्रोल कर रहा है, विद्या कौशल को NSDC इसकी मदद से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे, लॉगिन हम बाद में करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म है, इस फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल डलेगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी वही डाल लें दोस्त, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एग्री करके रजिस्टर करेंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी पर एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लॉगिन करेंगे। हमने पहले से एक आईडी बनाई हुई है दोस्तों, उसी को आज हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे देखिए अलग अलग पैनल बनाए गए हैं, स्टूडेंट के लिए अलग, ट्रेनिंग पार्टनर, ट्रेनिंग सेंटर, NSTL, NBCFC और NSTC, सबके लिए अलग अलग पोर्टल दिया गया है। लेकिन आज हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो आज हम स्टूडेंट के पोर्टल को अध्ययन करेंगे, बाकी पोर्टल को नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टूडेंट पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे, कुछ यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने बनाया हुआ है, इस यूजर आईडी पासवर्ड से आप लोग लॉगिन करेंगे। ये वही आईडी पासवर्ड है जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के वक्त आपकी ईमेल आईडी पर मिला था। ठीक है दोस्तों, ये कैप्चा कोड है, इस कोड को आप सही से भरेंगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लो मैं ये गलत डालता हूँ तो देखिए ऊपर कैप्चा डज नॉट मैच लिखा आ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से डालें। जब भी आप डालेंगे, अगर ये सही नहीं होगा तो आपको सही से लॉगिन नहीं करने देगा, और अगर ये सही हुआ तो ही आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा जो NSDC ने तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक आप देखिए, सबसे पहले आप इस डैशबोर्ड को ध्यान से देखें, मैं ऊपर मेन मेन्यू में आपको ले चलता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड है,
डैशबोर्ड के बाद दोस्तों एक एक करके मैं आपको मेन्यू को स्टडी कराता हूं कि इस मेन्यू के अंदर क्या क्या आपको होगा। सबसे पहले डैशबोर्ड के बाद आप स्टूडेंट प्रोफाइल, वहां आपने रजिस्ट्रेशन किया था, यहां आप अपने पूरे प्रोफाइल को अपडेट करोगे। पूरे प्रोफाइल में अपडेट करते वक्त कुछ पिक्चर और कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, जैसे आपको अपनी फ़ोटो, कैटेगरी, पैन कार्ड भी आपको चाहिए दोस्तों। वरना पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, है तो ठीक है वरना आप ना कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड डाल दें और आधार कार्ड डाल के पूरा अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लें, अदरवाइज़ आपको लोन लेते वक्त परेशानी होगी, इसलिए अपने पूरे प्रोफाइल को ध्यान से अपडेट करें। ग्रीवेंसीज एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आप अपनी ट्रैक कर सकते हैं अपनी आईडी को। यहाँ पर आप अपनी आईडी को ट्रैक करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आप अपनी स्टेटस को पा रहे हैं, क्या वो पेंडिंग है या कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए या कोई अप्रूवल पेंडिंग है, तो ग्रीवेंसीज के अंदर होगा। उसके अलावा दोस्तों जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा वो एनबीसी का ग्रेड मैट्रिक्स है कि आपको जो लोन मिलेगा वो किन किन कंपनियों से मिलेगा, कौन कौन सी कंपनी लोन के लिए अवेलेबल है, उनके इंटरेस्ट रेट क्या है, उनकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, उन्हें आपको पैसा कैसे मिलेगा और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले कश्मीर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का डाटा आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इंटरेस्ट रेट से लेकर सारी अवधि और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये वो सब कुछ आपको बताया गया है। इसी तरह और भी कई सारी एनबीएफसी है, जैसे आईटीआई एडवेस्ट, इसका इंटरेस्ट रेट भी सही है 3.40 to 5.85, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह के जो एप्लीकेंट्स हैं वो क्या होगा। उसके अलावा एडू फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नीव फाइनेंस, या नई नई कंपनियां जुड़ती रहती हैं जो स्किल लोन प्रोवाइड कराती है कैंडिडेट को। ठीक है दोस्तों, इस पूरी मैट्रिक्स को स्टडी करोगे आप और जब आप अपने काउंसलिंग करोगे सेंटर पर तो इन में से ही आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, आप डैशबोर्ड पर आ जाइए दोस्तों कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। आपका प्रोफाइल रजिस्टर्ड हो गया, आपको पता चल गया। अब देखिए दोस्तों, क्रिएट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक रेज जनरल क्वेरी का। अब आप पहले क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। एक सर्च क्राइटेरिया है, इस सर्च क्राइटेरिया पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जो फिल्टर लगा सकते हैं आप, या फिर आप सीधा सर्च पर क्लिक करेंगे तो टोटल जितने भी सेंटर्स अब तक यहां पर रजिस्टर्ड है स्किल लोन के लिए वो सारे आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सर्च पर क्लिक किया कोई फिल्टर लगाए बिना, जब मैं सर्च पर क्लिक किया बिना कोई फिल्टर लगाए तो देखिए नीचे आपको सारे सेंटर जो अब तक यहाँ पर रजिस्टर्ड है, टोटल देखिए 20,721 सेंटर अब तक यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं। तरीका बिल्कुल आसान है, आप सेंटर सिलेक्ट कीजिए, पहले लोकेशन, अब पहले अपना स्टेट, लोकेशन, सेंटर्स और कोर्स, जिस कोर्स के लिए आपको स्किल लोन चाहिए। आप देखिए दोस्तों, नीचे आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कैट सेंटर दुर्गापुर सिटी सेंटर है, ये इसका कोड है, ये कौन सा कोर्स, आईएसएस जीएसएस का है, ये हेल्थ केयर का है। उसके अलावा आपको आईटीआई टीएस में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप स्किल लोन लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, ये देखिए नीचे 20,731 सेंटर्स आपको दिखाई देने हैं जो अलग अलग कोर्स अवेलेबल है, इसलिए आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसको जितने भी सेंटर्स में आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसमें फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो अपने स्टेट को, तो आप ऊपर जाकर फिल्टर का भी यूज कर सकते हो, आप स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप ऊपर जो हमारे को ये फिल्टर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, यहाँ पर आप अपने पर्टिकुलर स्टेट का नाम बिहार सर्च करेंगे, बिहार, किस सेक्टर में आप लोन लेना चाहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप वही डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर आप सर्च करना चाहे, जैसे पटना बिहार में मैंने पूरी डिटेल नहीं डाली तो सेक्टर भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा आईटीआई टीएस जैसे मैं डाल रहा हूँ सेक्टर, अगर आप लोग उसके अलावा किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग पार्टनर जिसे आप जानते हैं उसको यहाँ से आप नाम लिख के सर्च कर सकते हो, उसके कहाँ कहाँ सेंटर है वो सेंटर आपके सर्च पर क्लिक कर दिखाई देगा। उन सर्च में से जो भी सेंटर्स आपको दिखाई देंगे आप सर्च पर क्लिक कीजिए, इस ट्रेनिंग पार्टनर के सारे सेंटर आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, महावीर आईटीआई, अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन लेना चाहते हैं तो महावीर आईटीआई जा सकते हैं, हेल्थ केयर में डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन सारे कोर्स, जिस भी कोर्स को आपने सिलेक्ट किया
स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंफर्म किया, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और ईमेल आईडी आपने नोट की, आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये राइट में एक चेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, सिलेक्ट किया सबसे पहले इस चेक के ऑप्शन, जहाँ पर कर्सर आपको मूव करता दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप इसको नो करेंगे तो सबमिट नहीं होगा, लेकिन आपको सिलेक्ट करके यस करेंगे तो ये आपसे एक और इन्फॉर्मेशन मांग लेगा कि आपका जो सबमिट है इस सेंटर पर आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, आप इस सेंटर पर जाएँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इनसे जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा दें। देखिए दोस्तों, अभी आपका पेंडिंग फॉर काउंसलिंग दिखा रहा है, जब आप इसको आप रेज क्वेरी करना चाहें तो आप क्वेरी रेज कर सकते हैं, अगर आपका पेंडिंग फॉर काउंसलिंग दिखा रहा है डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद सेंटर द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद धीरे धीरे आपका स्टेटस यहां पर बदलता जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर से आपकी सुविधा नहीं मिल रही, एनएसडीसी को आप यहां से बता सकते हो, यानी बहुत सारा एक पूरा ग्रीवेंसेस का पोर्टल आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से ये स्टेटस आपका चेंज होता रहेगा। मान लीजिए पेंडिंग फॉर काउंसलिंग है, क्योंकि अभी आपका आप जाएंगे, सेंटर्स आपको डिटेल बताएगा कहाँ लोन मिलेगा, कोर्स में क्या करवाया जाएगा, पूरी डिटेल सेंटर आपको बताएगा। एक बार जब सेंटर आपको पूरी डिटेल बता देगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और उसके बाद आपकी ये स्टेटस पेंडिंग फॉर काउंसलिंग से जब आपको लोन अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव्ड भी लिखा आ जाएगा। एक्टिविटी लॉग या फिर लॉग आउट कर सकते हैं दोस्तों आप, लॉग आउट करने के बाद ये आपका स्टूडेंट लॉगिन हमेशा बना रहेगा, जब भी आप चाहें आप अपने लॉगिन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अबाउट अस में आपको बताया गया है पूरी डिटेल, कॉन्टैक्ट अस में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम इस पोर्टल से संबंधित फेस कर रहे हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी या अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। FAQ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि फीचर्स क्या हैं विद्या कौशल की। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग पार्टनर ट्रेनिंग सेंटर के लॉगिन भी हम बाद में आपको कराएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये आपने देखा विद्या कौशल एक इनिशिएटिव NSDC का, कि वो उस विद्यार्थी तक जो स्किल लेना चाहता है परंतु उसके पास पैसे नहीं है, तो स्किल लोन की मदद से कोई भी स्किल कोर्स पूरे भारत के अंदर कर सकता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, वो लोग जो आपको कोर्स कराएंगे वही लोग आपको प्लेसमेंट की भी जिम्मेवारी आपकी लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह के NSDC इनिशिएटिव को हम सराहते हैं। स्किल इंडिया मार्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँच सके जिस व्यक्ति को इस जानकारी की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, आपका वेट रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।